साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि मुर्गियों की डीवर्मिंग कैसे की जाए, यानी मुर्गियों को पेट के कीड़े की दवा देने का सही तरीका क्या होता है, कौन सी दवा काम में लेनी होती है, किस तरीके से देनी होती है, किस टाइम पर देनी होती है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं एक मुर्गी पालक के दिमाग में। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों अपन डीवर्मिंग ऑफ पोल्ट्री यानी मुर्गियों को पेट के कीड़े की दवा किस तरीके से दी जानी चाहिए उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर कीजिए ताकि उपयोगी ज्ञानवर्धक एवं ऑथेंटिक जानकारी वाला ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँच सके। तो दोस्तों आज का वीडियो अपन शुरू करते हैं, आज की क्लास अपन शुरू करते हैं डीवर्मिंग ऑफ पोल्ट्री। डीवर्मिंग का मतलब अपन समझे तो दोस्तों इसमें अपन पेट के कीड़े की दवा पिलाते हैं जिसकी वजह से जानवर के शरीर में जो भी कीड़े होते हैं, जो भी वर्म्स होते हैं वो शरीर से बाहर हो जाते हैं और जो भी दाना चारा अपन उसको खिलाएंगे उसके सारे पोषक तत्व उस पशु के, उस जानवर के या उस मुर्गी के शरीर को लगते हैं जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, उसका जो प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी अच्छा अपने को मिलता है। अगर डीवर्मिंग नहीं कराई जाएगी उस केस मुर्गियों में क्या क्या परिवर्तन अपने को देखने को मिलेंगे या कैसे पहचाने कि इस मुर्गी को डीवर्मिंग की आवश्यकता है। अगर डीवर्मिंग टाइम पर नहीं की जाएगी दोस्तों तो अपनी जो मुर्गियां हैं वो एकदम सुस्त रहेगी, ठीक है, एक कोने में खड़ी रहेगी। इसके अलावा उनके जो फीडर्स हैं वो भी सही नहीं रहेंगे, फीडर पिकिंग की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है जिसमें मुर्गी अपने ही पंखों को खाने लगती है। उसके अलावा दोस्तों उसका जो लेइंग का प्रोसेस है यानी अंडे देने का जो प्रक्रम है वो भी काफी हद तक प्रभावित होता है, एग प्रोडक्शन उसका डाउन होता है और एग्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं में अपने को कई बार लाइंस भी देखने को मिलती है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है दोस्तों डीवर्मिंग टाइम पर नहीं करवाने की वजह से। तो अब डीवर्मिंग का प्रॉपर शेड्यूल क्या रखना होता है, किस तरीके से अपने को डीवर्मिंग करवानी होती है, तो इसके लिए अपन काम में लेने वाले हैं एल्बेंडाजोल जो कि मार्केट में एल्बोमार के नाम से या जेंटल के नाम से इजीली अवेलेबल हो जाती है। काम में कैसे लेना है इसको अपन यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए इसकी जो डोज अपने को रखनी है वो क्या रखनी है दोस्तों, मान लीजिए अपने पास 10 मुर्गियां हैं, ठीक है, 10 मुर्गियां मान के अपन चल रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर ज़्यादा है तो, और 10 से भी कम है तो उस केस में अपन डोज कम कर लेंगे। 10 मुर्गियां हैं जिनका वज़न कितना है, 1 किलोग्राम मुर्गी का वज़न है, ठीक है, एक मुर्गी का वज़न कितना है, 1 किलोग्राम है, ठीक। इस प्रकार से 10 मुर्गियां हैं जिनका वज़न कितना हो गया टोटल 10 किलोग्राम, तो इनके लिए अपने को क्या करना है दोस्तों, 1 ml एल्बो मार लेनी है, ठीक है, एल्बेंडाजोल है या ये अपन जेंटल काम में ले सकते हैं, इन दोनों में क्या है एल्बेंडाजोल होता है, 1 ml दवा काम में लेनी होती है 10 मुर्गियों के लिए और इसको लगभग आधा लीटर यानी 500 ml पानी में मिलाना है, ठीक है, 1 ml एल्बेंडाजोल को किस में मिलाना है, 500 ml पानी में मिलाना होता है और वो उसको पीने के लिए देना होता है, पीने के पानी में ये दवा इसमें मिलाने के बाद उसको पीने के लिए वो ऑफर अपन कर देते हैं। अब अपने को यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है दोस्तों कि 10 मुर्गियां हैं, 1 किलोग्राम बॉडी वेट है उसका एक का, तो ऐसी 10 मुर्गियों की डीवर्मिंग के लिए अपने को एल्बेंडाजोल कितनी लेनी है, 1 ml लेनी है, आधा लीटर पानी में डिजोल्व करना है और वो मुर्गियों को पीने के लिए देना है। अब इसमें सावधानियां क्या रखनी होती है अपने को कि जैसे अपन डीवर्मिंग करते हैं जनरली अपने को सुबह के टाइम ये करनी चाहिए, इससे पहले लगभग 2 घंटे पहले अपने को मुर्गियों को पानी और जो भी दाना अपन उसको खिलाते हैं वो नहीं देना चाहिए, 2 घंटे तक उसको ऑफ फीड रखना होता है, ठीक है, 2 घंटे तक उसको दाना भी नहीं देना होता और पानी भी नहीं पिलाना होता, उसके बाद से ये पानी अपन उसको पीने का ऑफर करते हैं तो उस केस में वो जल्दी से इस पानी को पी जाती है जिसकी वजह से डीवर्मिंग इफेक्टिव होती है और उसके शरीर के जो भी वर्म्स हैं वो सारे बाहर हो जाते हैं। इसको पीने के बाद में लगभग 2 घंटे तक अपने को वापस उसको ऑफ फीड रखना है, तब भी अपने को कुछ खिलाना पिलाना नहीं होता। तो आज के इस वीडियो में अपन ने देखा कि जो बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं यानी जो मुर्गी पालक जिनके पास 10-15 मुर्गियां होती है, 20-25 मुर्गियां होती है, कम संख्या में मुर्गियां हैं, उनकी डीवर्मिंग करने के लिए किस तरीके से अपने को ये दवा काम में लेनी होती है और किस तरीके से अपने को पिलानी होती है, ये बात आज के इस वीडियो में अपन ने की है। इसी प्रकार से मुर्गियों के और भी वीडियो अपने चैनल पर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट सेक्शन में पोल्ट्री केयर के नाम से या पोल्ट्री फार्मिंग या मुर्गी पालन के नाम से एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां पर मुर्गियों से संबंधित वीडियो आप देख सकते हैं। धन्यवाद।